हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं अभी खेत पे आ चुका हूँ। तो थोड़ा खेत पे काम है, इसलिए खेत पे आया हूँ। ये देखिए, तो काम यहाँ काम नहीं है, काम इससे है उधर दूसरा तरफ। तो अभी जाते हैं जहाँ काम करना है मुझे। तो चलते हैं। ये सारा धान पक गया है, देख सकते हैं दोस्तों। अभी मेरा वहाँ आंटी जी है, यहाँ भी आंटी जी है। ये देखिए, काट रहे धान। एकाए काटिए शेष करबो ना कि धान वही खेतत जाग एक पासन था देखी ये इतना बड़ा खेत है आंटी का, तो देख सकते हैं इतना धान काट चुका है और भी इतना सारा बाकी है, इधर भी बाकी है। आंटी जी के तो ये वाला ख़त्म ही कर दिया, अभी ये वाला बड़ा वाला बाकी है। तो दोस्तों, गांव का काम तो कोई छोटा काम नहीं होता है, करने में भी मज़ा आता है काम करने। तो हम लोग का तो इस बार धान नहीं लगाया है, यही आंटी जी काकी मेरा काकी है वही लगाया है। अभी काट रहा था काकी, अभी जाते हैं। हम लोग का खेत तो आ चुका है, रुकिए जाके दिखाते हैं आपको क्या है खेत में। और इसमें पोटैटो लगाया है, देख सकते हैं हाल ही में हुआ है, कितना एक हफ्ता जैसा हो रहा है, इसमें और भी टाइम चाहिए। अभी कम से कम एक महीना जैसा बीतेगा तो इसका पौधा निकलने लगेगा अंदर से, मिट्टी के अंदर से। और ये है हम लोग का ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा सब्जी लगाया हुआ है। आपको दिखा दूँ, ये वाला पेड़ तो आप पहचानते ही होंगे, ये लौकी का पेड़ है। यहाँ लौकी लगाया है, कुछ कुछ पेड़ तो हुआ है और बाकी सब नहीं हुआ है। ये वाला देखिए, ये है भाई नींबू का पेड़, जो बड़ा बड़ा नींबू होता है ना उसका। तो ऐसे पूरा खेत में फैला हुआ है नींबू का पेड़, हम खुद लगाए हैं यहाँ, देख सकते हैं। यहाँ भी आके दिखाते हैं आपको, ये वाला देखिए, ये देखिए। तो मुझे इसी के अंदर काम करना है, ये जो नींबू का पेड़ अभी दिखाया मैं आपको, तो इसी को इसी का जो थोड़ा सा एरिया है ना, उसको साफ करना है। तो आइए काम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा बात करेंगे तो काम मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको भी दिखाता है काम मेरा, क्या काम कर रहा हूँ फिलहाल। मैं तो काम करूँगा नींबू का पेड़ जो है ना, इसको साफ सफाई करना है, थोड़ा इसका मिट्टी को भी हल्का कर देना है मुझे, ताकि ये जो नींबू का पेड़ है ये जल्दी से बढ़े और मुझे भी फ़ायदा हो इससे आगे जाके। इसको हम नींबू का बागान बनाएंगे। तो फिलहाल लगभग यहाँ इतना छोटा एरिया में कम से कम 30 जैसा गाछ है नींबू का पेड़, 30 पेड़ है। 6-7 महीना हो चुका है ये लगाया हुआ। शायद मेरा वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप भी है बहुत, आँख में भी लग रहा है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको मेरा काम। ये रहा एक नींबू का पेड़, छोटा सा है। तो अभी मैं जो इसके आसपास जितना भी घास दिख रहा है ना, ये सब हटाऊंगा पहले, ये देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, घास को हटाते हैं पहले, इससे हटाना है।
ध्यान रखना है कि कहीं पेड़ ना कट जाए, बस यही एक ध्यान में रखना है। ये देखिए दोस्तों, आसपास साफ हो गया है पेड़ के आसपास। अभी इसको ऐसे करना है, ऐसे करके मिट्टी को हल्का करना है। ऐसे ही करके करना हुआ मुझे, जितना भी है ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब ये मिट्टी में 3-4 दिन बाद कोई मेडिसिन डाल देंगे ना, तो ये पेड़ और भी ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा। बस इतना ही है काम। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। दिन का जितना भी काम था सब तो ख़त्म कर दिया मैं। ख़त्म करने के बाद अभी घर में आके फ्रेश व्रेश सब कुछ हो लिया एकदम बढ़िया से। तो भी ठंड लग रहा था थोड़ा, ठंड का मौसम जैसा आ ही गया है, तो इसलिए ये हल्का सा है, मतलब उतना भी मोटा नहीं है, हल्का वाला है, तो मतलब स्वेटर पहन लिया मैं। तो अभी मुझे मेरा दोस्त बुला रहा था, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या काम है, काम तो नहीं, दोस्त का क्या होता है, ऐसे ही बातचीत करना। तो ही तो ठीक है, चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। और मेरी ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग, धन्यवाद। ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। गुड नाइट।